हे गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह एंड अ वार्म वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। आज हम हैं पांड्या स्टोर, जो कि स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो है। तो अब आपको क्या नया ड्रामा देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। हाँ, मतलब इंटेंशन कुछ पार्टी में मेरा और ऋषि दादी का थोड़ा सा प्लान था टू यू नो श्वेता के अगेंस्ट कुछ करने का और श्वेता को इस घर से बाहर निकालने का। तो वो प्लान हम जिस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते थे वो नहीं हो पाया एंड हमने और धरादी को हर्ट कर दिया। और उस वजह से आई थिंक मैं और ऋषिता दी हम दोनों ही बहुत बहुत गिल्टी हैं। और वही सारा सीन चल रहा है, धरादी बहुत अपसेट है हमारे इस बिहेवियर से, इस चीज़ से कि हाउ कम ये टाइम पे जब हम धरादी को खुश करना चाहते थे और इसीलिए हमने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और इस पार्टी में ये सारी चीज़ें हमने कर दी और ये हमसे गलती हो गई। तो हाँ, तुम सब यही चाहते थे ना? यही जताना चाहते थे ना कि इस घर में रह रहे किसी भी बच्चे की माँ नहीं हूं मैं? तो फिर ठीक है, मान लो ना मैं देव की हूं, ना शिवा की, ना कृष की, इस घर में रहे किसी भी बच्चे की माँ नहीं हूं। ऐसे मत बोलो भाभी। क्यों ना बोलो, यही तो चाहता है ना तू? नहीं, तू मेरा बच्चा, नहीं पाला मैंने तुझे। क्या जरूरत थी इसके बारे में बात करनी, वो भी इस कपड़ी औरत से? आ गया मजा? तुम्हें हजार बार कहा है कि हमारे घर के पचोड़े में मत पड़ो, लेकिन नहीं, तुम्हें पढ़ना, देख लिया अब क्या हुआ है। ये दलदल है प्रेरणा, इसमें घुस के आज तक किसी का भला नहीं होना, मेरा ना भाभी का। अभी आज तक हम सबका भला किया और देख आज वो कैसे अकेले खड़ी हुई है, वो भी हम सबकी वजह से। बहुत हो गया, हम आज के आज ही निकल रहे हैं। मैं टिकट के बारे में कहीं नहीं कहना। मुझे गलत समझ रहे हो, प्लीज मुझे बात नहीं। हम सब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। इनिशियली तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यू नो कैसे टैकल करेंगे, क्या करेंगे। तो आई थिंक एक सीन इससे पहले आज भी गया कि जहाँ पे मैं धरादी के कमरे में अगेन चली जाती हूँ बिकॉज श्वेता इज अगेन बैक एंड यू नो शी इज डूइंग हर थिंग। तो बट मुझे इसलिए धरादी के कमरे में जाकर उनसे उनके सामने अपनी भड़ास निकालने की कि धरादी वापस से ऐसे हो गया, मैं क्या करूँ। एंड तब मैं धरादी को देखती हूँ कि धरादी ने पहली बार मुझे कहा है कि तू मेरे कमरे में नहीं रहेगी एंड यू नो वैसा वाला बिहेवियर हम सब पहली बार देख रहे हैं। तो हम उस वक्त आई थिंक सबके साथ ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं थ्रू विद धरादी कि हमें पता चला कि धरादी बहुत ज़्यादा हर्ट है हम सब लोगों के बिहेवियर से। तो हमारा कुछ इंटेंशनल नहीं था बट वो मोमेंट्स ही ऐसे थे, वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि कोई धरादी को पिक करने नहीं जा पाया एंड इस वजह से धरादी काफ़ी अपसेट है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये चीज़ को गलत करने के लिए हम सारे फैमिली मेंबर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं धरादी को मनाने के लिए, धरादी को खुश करने के लिए। ओह माय गॉड, आप सिर्फ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि जब हमने ये ट्रैक सुना था, इनफैक्ट इवन जब मैंने ये ट्रैक सुना था तो जैसी मैं रो रही हूँ मैं इसका 10 times रो रही थी। तो आई थिंक जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे क्या क्या होने वाला है, मतलब जो मैंने खुद नहीं सोचा था वो चीज़ होने वाली है। तो जस्ट ब्रेस योरसेल्फ। थैंक यू।